चैप्टर हमारा क्या, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 2। एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर का है, तो रिएक्टेंट एक की तुलना में रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित कैसे हो रहा है यदि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल कर दी जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव होगा वो कैलकुलेट करना है। यदि रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। रिएक्शन हमारा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल हो जाता है तब नया रेट इस तरह हम लोग लिखते हैं, आर डैश रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कॉन्स्टेंट, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डबल हो गया इसे 2 से गुना कर दी, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, इसे रेज टू पावर 2 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 2 2 जब क्या हो गया 4, तो 4 लिखें, के लिए के लिखें, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 लिखा गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हम लोग पाते हैं कि R1 बराबर R1 हो गया, और के कंसंट्रेशन ऑफ सेम टर्म होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, आर रेट ऑफ रिएक्शन, तब 4 के लिए 4 हो गया, और इतना के लिए हमारा क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, तो R1 बराबर हो गया 4R। तो नया रेट 4 टाइम्स हो गया, जो नया रेट है वो हमारा क्या 4 टाइम्स 4 गुना हो गया इनिशियल रेट की तुलना में। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2। इक्वेशन नंबर 1, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रिड्यूस करके हाफ हो जाता तब नया रेट हम लोग लिख सकते हैं, आर डबल डैश बराबर रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2, और रिएक्टेंट हाफ हो जाता तो बट्टा 2, तो आर डबल डैश बराबर के लिए के हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 के लिए 2 हो गया, और 2 2 जा क्या हो गया 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या मिलता है, आर डबल डैश बराबर आर बटा 4, तो नया रेट आधा हो जाता है इनिशियल रेट के तुलना में।